गाइस वेलकम बैक टू इनोवेशन फॉर चेंज। और आज का जो दिन है, आज हमारे सेंटर पे इलेक्शन चल रहे हैं। जिसमें सेंटर हेड बनाया जाएगा, बच्चे इलेक्ट करेंगे अपने नेता को, अपने हेड को। तो ये एक इनोवेटिव तरीका है बच्चों के बीच में चुनाव के प्रति और मतदाता के प्रति जागरूकता लाने का। बच्चों को जानने का अधिकार है कि उनके देश का संविधान कैसे चलता है, किस तरीके से आम जनता सरकार बनवाती है और उसके बाद अपने अनुसार देश को चलाने की कोशिश करती है। तो ये एक इनोवेटिव तरीका है जिसके माध्यम से छोटे से छोटा बच्चा भी सीखने का प्रयास करेगा। तो हमारे बीच में दो दावेदार हैं, सबके साथ कौन कौन है? एक मिनट, तो नेताजी आप बताइए, आप सेंटर हेड के लिए खड़े हो रहे हैं तो क्या लगता है, आप भारी मतों से विजयी होंगे कि नहीं? Yes. आपका चुनाव चिन्ह क्या है? डबली। तो आपके जो ये आपके साथी लोग हैं, सदस्य लोग हैं, आपके लिए कोई नारा आरा नहीं लगा रहे? हमें नहीं लगता आपकी जीत होगी। जीतेंगे? चुनाव चिन्ह क्या है आपका? किताब है? तो इनके लिए भी तो नारा लगा दो। यदि आप चुनाव में जीत गए और सेंटर हेड बन गए तो आप क्या क्या आपके वादे हैं जो पूरा करेंगे? वादे पूरे करवाओ। ये थकी हुई सरकार है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, और प्रिया जी, तो यदि आप जीतती है तो क्या क्या वादे पूरे करेंगी? किसी का हाथ नहीं उठाएंगे, उम्र पूरा करवाएंगे और सबको अपने एक जैसे मानेंगे। सब सारे सेंटर का सब लोग काम मिल बांट के करेंगे, अपनी पूरी जिम्मेदारी। सरकार लाइन लगा दे, यहाँ गार्जियन भी पूरी तरीके से शामिल है, गार्जियन ने भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों का। अच्छा, अभी पता चल जाएगा कौन सा नेता बेस्ट है जो सबको शांत करा ले जाए। वो सब बोल रहे हैं, कीर्ति किसको वोट दोगी? क्यों, तुम्हें क्यों लगता है रुस्तम को देना चाहिए? नहीं, रुस्तम अच्छा है, रुस्तम काम भी बहुत करता है, मेरा तो है। ये किसका बच्चा लेके घूम रही हो? बोलो किसको दोगी? सब किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? किसको वोट दोगे? ये पूरी प्रक्रिया है, किसको वोट देंगे आप? किसको वोट दोगी? प्रिया को? क्लास बताओ, प्रिया की बहन है। प्रिया को वोट दे रहा है।
किसको वोट दोगी दीपांशी? रुस्तम को। तुम किसको वोट दोगी? तुम किसको वोट दोगी? वोट देने जा रही है किताब को। जाइए पहले ऊपर जाना पड़ेगा, नाम लिखवा दीजिए। किसको दोगी? डबली पे। बोल रही है। पूछो अच्छा, फिर से खुद पूछो। किसको दोगी? आपको डबली दे देना। लेकिन उसके वोट ज्यादा आ रहे हैं प्रिया के। पता भी तो होना चाहिए। किसको वोट देने आए हो? किताब पर। कौन है कितना आपका प्रत्याशी? प्रिया। प्रिया को आओ। किसको देने आए हो? वाह वेरी गुड। किसको वोट दे रहे हो? प्रिया को। क्यों दे रहे हो? तुम्हें क्या क्यों लगता है कि रुस्तम को देना चाहिए? रुस्तम हम लोगों के लिए काम करेंगे, बहुत कह रहे हैं कि सेंटर पे और ज्यादा पढ़ाई करेंगे, सारे साफ सफाई रखा जाएगा, इसीलिए हम रुस्तम को वोट दे। प्रिया नहीं रखेंगे? नहीं, प्रिया ने हम लोगों से बताया ही नहीं, रुस्तम भाई ने हमसे बताया, इसलिए हम लोग रुस्तम को वोट दे रहे। तुम भी रुस्तम को दे रहे हो? किसको वोट देने आई हो? जीत पे प्रिया है। तुम्हें क्या लगता है जीत जाओगे? वो तो रिजल्ट बताएगा। किसको वोट दिया है? प्रिया को। किसने दिया है? क्या ली भाई, तुम्हारे फैन भी आए रुस्तम। प्रिया दीदी अच्छी है कि रुस्तम भैया अच्छा है? रुस्तम भैया अच्छा है। कौन अच्छा है? रुस्तम भैया अच्छे है। प्रिया दीदी नहीं अच्छी है? और आने वाले समय में इलेक्शन भी जोरों से है, तो एक ये छोटा सा प्रयास है कि इन बच्चों के माध्यम से हम हंसी खुशी के माध्यम से इस तरह के माहौल को बनाकर बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस ला सकें।